हेलो दोस्तों, तो मैं आज की वीडियो में आपके डाउट्स लेके आया हूँ जो आ रहे थे आपको जुपिटर 125 के रिलेटेड। तो इसका मेन डाउट की बात करें तो इसका जो मेन डाउट था वो इसके किक के रिलेटेड था कि इसमें किक है कि नहीं है। तो आज मैं आपकी इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गैस, जुपिटर 125 में आपको किक देखने को नहीं मिलती, लेकिन मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा कि इसका किक का क्या सीन है। तो गैस, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें किक नहीं है। तो गैस, चलिए बात करते हैं इसमें किक क्यों नहीं दिखी। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इसके पहले मीटर पे। तो यहाँ मीटर पे आपको इसका येलो कलर का इंजन का साइन देखने को मिलेगा, जो कि बताता है कि इसमें डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्ट होता है। इसमें आपको कार्बोरेटर देखने को नहीं मिलेगा। तो गैस, जो डायरेक्ट इसमें फ्यूल इंजेक्ट होता है उसमें आपको किक की कोई लोड नहीं है। उसमें डायरेक्ट जैसे इंजन में फ्यूल पहुँचेगा, उसमें जैसे ही सेल्फ देंगे वो साथ ही साथ स्टार्ट होएगा। उसमें एक बारी में सेल्फ देने से वो स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें किक की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अपनी एक्टिवा 6G में आपको बताता हूँ। तो एक्टिवा 6G में यहाँ आपको किक देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें भी मेरे को कभी किक की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं इसके मीटर में भी फ्यूल इंजेक्शन का सिंबल दिया गया है। तो गैस, इसमें आपका जो फ्यूल होता है वो डायरेक्ट इंजन में पहुँचता है। इसमें कोई भी चोक की लोड नहीं पड़ती, एंड सर्दियों में भी ये डायरेक्ट एक सेल्फ से ही स्टार्ट हो जाएगा। आपको कोई किक मारने की लोड नहीं पड़ती। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं एक सेल्फ मारूँगा, ये देखिए गैस, एकदम से ये स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, एंड गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है। एंड मॉर्निंग में आप देख सकते हैं मैंने ना कोई किक मार दिया, डायरेक्ट ये स्टार्ट हो गया। जैसे कि पहले कहा जाता था कि मॉर्निंग में हमें पहले स्कूटर को किक से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन जब से ये न्यू BS6 के इंजन आ गए हैं किक की जरूरत नहीं पड़ती। तो आते हैं जुपिटर 125 पे फिर से। एंड गाइस, ये सिंबल आपको ये भी बताता है अगर आपके स्कूटर में कोई माल फंक्शन हो गया, उसके इंजन में कुछ खराबी हो चुकी है, तो ये ब्लिंक करेगा चलते वक्त। तो आपको उस टाइम डायरेक्ट अपने सर्विस सेंटर में जाना है उसी टाइम, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड ये आपको अगर कोई बैटरी की भी प्रॉब्लम दिक्कत देता है तो आपको ये पहले से वॉर्न कर देगा। तो गाइस, मैंने आपको लाइव डेमो करके बता दिया है कि आजकल के जो न्यू स्कूटर आ रहे हैं उसमें BS6 इंजन दिया गया है, तो उसमें किक की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, वो एक सेल्फ से ही स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको किक की मतलब इंपॉर्टेंस लगती है तो आप जुपिटर 125 में एसेसरी में लगवा सकते हैं। एंड दोस्तों, मैंने आपको 6G का इसलिए दिखाया था क्योंकि मेरे यहाँ पर जितनी भी जुपिटर 125 थी वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं, उनको आने में कम से कम एक हफ्ता लग जाएगा। तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने आपको अपनी 6G में ही ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे वर्क करता है इसका न्यू सिस्टम। एंड गाइस, अगर आपके और कोई डाउट्स हैं तो आप वो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके वो भी क्लियर करूँगा जल्दी से जल्दी। तो अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।